हम जो आपके लिए रेसिपी लाए हैं वो है सभी की मोस्ट फेवरेट कस्टर्ड। कस्टर्ड को अलग अलग कंसिस्टेंसी का बनाया जाता है, कहीं पर थिक जमाव के फॉर्म में होता है तो कहीं पर फ्लोइंग कस्टर्ड। आज हम बनाएंगे फ्लोइंग कस्टर्ड विद मिनी गुलाब जामुन एंड मैंगोस। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे आने वाली मेरी वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए। बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा लीटर बफेलो मिल्क लेंगे, जिसमें से थोड़ा सा एक अलग छोटे बॉल में निकाल लेंगे और इस बचे हुए दूध को हम बॉईल होने के लिए गैस पर रख देंगे। दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है, जब तक उसमें उबाल आता है हम इस दूध में अब यह कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लेंगे। वेनिला कस्टर्ड पाउडर है जो हर कहीं ड्राई फ्रूट शॉप पर आसानी से मिल जाता है। इसके लिए हम आधे लीटर दूध के हिसाब से हम इसमें 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर को इस दूध में मिक्स करेंगे और अच्छे से इसे कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल अच्छी तरीके से इस दूध में मिक्स हो गया है, अच्छी तरह से घुल गया है। अब इस बॉईल होते हुए दूध में हम 1 बड़ा चम्मच यह टेबलस्पून का पूरा भर कर शक्कर का डालकर मिक्स करेंगे और चलाते हुए इस शक्कर को मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक इसे बॉईल होने देंगे। यह दूध हमारा बॉईल हो गया है, अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब इस दूध में हम धीरे धीरे कस्टर्ड डालेंगे और इसे चलाते हुए अच्छे तरह से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा और इसमें डालकर और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने वह पूरा कस्टर्ड मिक्स इस दूध में मिक्स कर लिया है। अब इस दूध में हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर गैस पर 2 मिनट तक और उबालने के लिए इसे रख देंगे और 2 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे और नीचे उतार लेंगे। अब यह हमारा कस्टर्ड मिल्क पूरी तरह से बॉईल हो गया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए 1 घंटा छोड़ देते हैं। यह देखिए, यह पूरी तरह से ठंडा हो गया है, इसमें थोड़ा सा जमाव भी आ गया है। अब इसे स्मूथ फ्लोइंग इसकी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हम इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में ब्लेंड कर देंगे और यह कस्टर्ड मिल्क को मैंने ब्लेंड कर दिया है, इसे मैं बोल में निकाल रही हूँ और अब इसे 2-3 घंटा फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। हमने यह फ्रिज में से कस्टर्ड मिल्क निकाल लिया, ये पूरी तरह से ठंडा चिल्ड हो गया है। अब इसके अंदर हम यह मिनी गुलाब जामुन डालेंगे, जिसे अंगूरी गुलाब जामुन भी कहते हैं। ये मैंने घर पर बनाए हैं, आप इसे रेडीमेड भी ले सकते हैं। फिर मैं यह डालूंगी मैंगो के पीसेस, या आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा फ्रूट भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं ड्राई फ्रूट से केसर से गार्निशिंग करूंगी। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ यह अंगूरी गुलाब जामुन, यह मैं सारे नहीं डालूंगी, थोड़े डालूंगी एक बार, और फिर थोड़े मैंगोज के पीसेस डालूंगी, वह भी सारे नहीं डालूंगी। अब इन्हें हम मिक्स कर लेंगे इस तरह। अब इसके ऊपर मैं यह ऊपर से रखूंगी, यह सभी पीसेस को इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। पीसेस भी ऐड कर देंगे। इस तरह मैंने चारों तरफ मैंगो के पीसेस भी डाल दिए हैं और गुलाब जामुन के पीसेस भी डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं इसे बादाम से गार्निश कर लूंगी। इस पर थोड़ी केसर भी हम डाल देंगे। और यह मैं क्रीम बीज के ऊपर डाल रही हूं। फिर से हम इस पर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इस तरह से हमारा यह कस्टर्ड गुलाब जामुन रेडी हो गया है।